लोकसभा चुनाव अब अपने अंतिम चरण में है। 1 जून को 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 57 सीटों पर वोटिंग है। ये चरण अपने आप में बेहद खास इसलिए है क्योंकि इस चरण में देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीट वाराणसी पर भी वोटिंग है, यानी इस चरण पर सभी की नजरें टिकी रहने वाली है। लेकिन खास बात यह है कि इस चरण की 17 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जिनको लेकर दावा किया जा रहा है कि ये सीटें बीजेपी मतदान से पहले ही जीत चुकी है। तो कौन सी हैं वो सीटें, चलिए बताते हैं आपको। शुरुआत करते हैं केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ से। यहाँ से बीजेपी ने मौजूदा सांसद किरण खेर का टिकट काटकर संजय टंडन को अपना उम्मीदवार बनाया है। उधर इंडिया अलायंस ने सांसद मनीष तिवारी पर भरोसा जताया है। दूसरी सीट है पंजाब की गुरदासपुर लोकसभा सीट। यहाँ से बीजेपी के सनी देओल मौजूदा सांसद हैं, लेकिन इस बार बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बदल दिया। पार्टी ने दिनेश सिंह को मैदान में उतारा। सनी देओल से जनता की नाराजगी के चलते बीजेपी ने ये फैसला लिया है और इसीलिए जानकार कह रहे हैं कि पार्टी को इससे फायदा मिल सकता है। हिमाचल की हमीरपुर सीट से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर 5वीं बार चुनाव लड़ रहे हैं। हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र भाजपा का गढ़ लंबे समय से रहा है। कांग्रेस ने यहां से सतपाल रायजादा को मैदान में उतारा है। सिर्फ लोकसभा सीट ही नहीं, कांग्रेस के लिए हिमाचल में सरकार बचाने की भी चुनौती है क्योंकि लोकसभा चुनाव के साथ साथ उन विधानसभा सीटों पर भी मतदान है जो बगावत के बाद खाली हो गई थी। अब बात करते हैं हिमाचल की ही एक और सीट शिमला की। वर्तमान में शिमला का लोकसभा प्रतिनिधित्व भाजपा की हिमाचल प्रदेश इकाई के अध्यक्ष सुरेश कश्यप कर रहे हैं। कांग्रेस के विनोद सुल्तानपुरी से इनका मुकाबला है। वहीं झारखंड की राजमहल लोकसभा सीट पर भी बीजेपी मजबूत दावेदारी पेश कर रही है। बीजेपी ने यहां से ताला मरांडी को अपना उम्मीदवार बनाया है। उधर इंडिया गठबंधन ने मौजूदा सांसद विजय कुमार हंसदक पर भी भरोसा जताया है। जेएमएम के बागी लोविन के निर्दलीय मैदान में उतरने से यहां लड़ाई दिलचस्प हो गई है और ऐसा माना जा रहा है कि दो लोगों की लड़ाई में फायदा बीजेपी उठा ली जाएगी। झारखंड के दुमका लोकसभा सीट भी इस लिस्ट में शामिल है क्योंकि यहां एक परिवार के भीतर ही बड़ी लड़ाई देखने को मिल रही है। बीजेपी ने यहां से सीता सोरेन को मैदान में उतारा है और सीता सोरेन का दावा है कि ससुर शिव सोरेन उनका समर्थन कर रही है। वहीं जेएमएम की तरफ से नलिन सोरेन मैदान में है। बिहार के पटना साहिब लोकसभा सीट पर बीजेपी के रविशंकर प्रसाद और कांग्रेस के अंशुल अभिजीत के बीच सीधा मुकाबला है। रविशंकर प्रसाद इस सीट से मौजूदा सांसद हैं, जबकि अंशुल अभिजीत कांग्रेस की वरिष्ठ नेता मीरा कुमार के बेटे हैं। वहीं पाटलिपुत्र में भी बीजेपी मजबूत नजर आ रही है। पाटलिपुत्र की लड़ाई अहम इसलिए हो जाती है क्योंकि यहां से राजद सुप्रीमो लालू यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती एक बार फिर चुनावी मैदान में है। उनका मुकाबला मौजूदा बीजेपी सांसद और एनडीए उम्मीदवार रामकृपाल यादव से है। दावा है कि रामकृपाल के आगे मीसा भारती कमजोर पड़ रही है। झारखंड के गोड्डा के सियासी मैदान में एक बार फिर दो पुराने जानी दुश्मन बीजेपी उम्मीदवार निशिकांत दुबे और कांग्रेस उम्मीदवार प्रदीप यादव मैदान में हैं। झारखंड के गोड्डा लोकसभा सीट को अब भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का गढ़ माना जाता है। पश्चिम बंगाल की जादवपुर लोकसभा सीट वीआईपी सीट है। यहां इस बार तृणमूल कांग्रेस की साइनी घोष और भारतीय जनता पार्टी के अनिर्वाण गांगुली के बीच मुकाबला है, जहां बीजेपी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। अब आते हैं देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश, जहां की गोरखपुर सीट बीजेपी के जीतने के चांसेस हैं। यहां से मौजूदा सांसद रवि किशन पर बीजेपी ने भरोसा जताया है। इस सीट पर योगी का दबदबा भी माना जाता है। यूपी की महाराजगंज सीट से बीजेपी ने फिर से पंकज पर दाव लगाया है। वहीं कांग्रेस ने वीरेन चौधरी को मैदान में उतारा है। इस बार दो चौधरी आमने सामने हैं। दोनों ही अपनी चौधराहट बरकरार रखने की जद्दोजहद में जुटे हुए हैं, लेकिन जानकार दावा कर रहे हैं कि वर्तमान सांसद और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री का दबदबा कांग्रेस प्रत्याशी पर भारी पड़ेगा। मिर्जापुर लोकसभा सीट से भाजपा अपना दल एस की संयुक्त उम्मीदवार अनुप्रिया पटेल जीत की हैट्रिक लगाने की उम्मीद में है। भाजपा से टिकट कटने के बाद भदोही के मौजूदा सांसद रमेश बिंद को इस सीट से उतार कर सपा ने अनुप्रिया के विजय रथ को रोकने की भरपूर कोशिश की है, लेकिन अनुप्रिया पटेल की दावेदारी मजबूत है। और आखिरी सीट है पीएम मोदी की वाराणसी लोकसभा सीट, जिनके सामने कांग्रेस ने बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हो चुके अजय राय को मैदान में उतारा है। और इस सीट को लेकर जानकारों का दावा है कि इस सीट का फैसला तो पहले ही हो चुका है। तो ये वो 17 सीटें हैं जहां पर राजनीति के जानकारों का दावा है कि बीजेपी पहले ही जीत चुकी है, लेकिन असली नतीजे तो 4 जून को ही आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।